गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू IRS ऑनलाइन क्लासेस। नाउ यू आर इन क्लास 7 एंड आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश ग्रामर लेसन 2 आर्टिकल्स, चैप्टर 2 आर्टिकल्स। ओके, सो ओपन योर बुक पेज नंबर 9 एंड गो थ्रू दिस टॉपिक। नाउ वी विल डिस्कस टुडे अबाउट आर्टिकल्स। व्हाट आर आर्टिकल्स एंड व्हाट आर द काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। ओके, सो फर्स्टली इट इज गिवेन in your book that there are two kinds of articles. So what is article? Yeah, I'm going to define that. What is article? The words you are using in sentence to start your sentence. The words you whatever a and the, these type of words you are using as article, na? Yes. So a and the, these are called articles. Okay, in your definition it, generally you can say when you are using a and the to start your sentence, these are known as articles. There are two kinds of articles. So first and second, for the first one, definite article, that is known as definite articles, and second one indefinite articles. Got it? Definite and indefinite article. What is definite article? The is said as definite article, and a and n is said as indefinite article. Right? So always keep in your mind that there are two kinds of articles. First one, definite article, that is known as the, and indefinite article, that is a or n. Okay, a oblique n, both you can say, or a and n though. तो ए एंड एन, एक वन डेफिनेट आर्टिकल होता है और टू इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। नाउ यू हैव टू रीड, यू हैव टू नो द रूल दैट वेयर यू शुड यूज डेफिनेट आर्टिकल द एंड वेयर यू शुड यूज इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक। नाउ गो थ्रू दिस टॉपिक। Firstly, we will discuss use of the, use of definite article the का use, the article का use आपको कहाँ करना चाहिए, हम इसके बारे में discuss करेंगे। The first rule is given कि the is used before the superlative degree. According to your book, I'm explaining the topics. Before the superlative degree, you should use the का use हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले होता है। तो फर्स्टली यू शुड नो व्हाट आर डिग्रीज, डिग्री क्या होती है पहले उसके बारे में आपको जानना चाहिए। यू नो अबाउट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बारे में आप जानते हो, यू ऑल नो। ओके, द क्वालिफाइंग और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। जो वर्ड्स क्वालिफाई या डिस्क्राइब करते हैं किसको, अ नाउन और प्रोनाउन, राइट। अनदर डेफिनेशन यू कैन से दैट द वर्ड्स व्हिच क्वालिफाई और डिस्क्राइब A noun or pronoun are called adjectives. Adjectives क्या होते हैं, जो किसी noun या pronoun को qualify करे, describe करे, उसके बारे में कुछ और बताए। जैसे आप कोई noun लेते हो, आपने एक noun लिया राम, राम। Now about राम, what you are going to say या what you are saying? आपने कहा राम is a boy, okay? तो generally you are saying राम is a boy, but when you are saying राम is a good boy, क्या बोलते हो आप? राम is a गुड बॉय। तो समथिंग मोर यू आर सेइंग अबाउट राम। पहले तो आपने बोला कि राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, दैट इज जनरल थिंग, बट नाउ यू आर सेइंग राम इज अ गुड बॉय, उसकी विशेषता आप बता रहे हो, उसकी क्वालिटी बता रहे हो। राम लड़का है, दैट इज नॉट अ क्वालिटी, दैट इज डिस्क्रिप्शन। लेकिन आप उसके बारे में बता रहे हो, उसके बारे में कुछ और बता रहे हो, समथिंग मोर यू आर डिस्क्राइबिंग नाउन राम। राम को आप डिस्क्राइब कर रहे हो, राम को आप क्वालिफाई कर रहे हो, उसकी क्वालिटी बता रहे हो। क्या क्वालिटी है उसकी? गुड बॉय। ओके, सो गुड इज कॉल्ड एडजेक्टिव। गुड को क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव कहा जाता है। लाइक दिस यू कैन से सी इज टॉल, सी प्रोनाउन है, यहाँ पर नाउन का एग्जांपल मैंने आपको दिया। नाउ आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ प्रोनाउन, सी इज, सी एक प्रोनाउन है ना, तो सी इज अ गर्ल, सी इज अ गर्ल। नाउ इट इज सिंपल डिस्क्रिप्शन, आपने इसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा नहीं बताया। लेकिन नाउ यू आर सेइंग सी इज अ टॉल गर्ल, सी इज अ टॉल गर्ल। नाउ सी इज अ टॉल गर्ल, वो एक लंबी लड़की है। नाउ यू आर सेइंग समथिंग मोर अबाउट सी,
आप उसके बारे में कुछ और बता रहे हो, क्या बता रहे हो, वह लंबी लड़की है, ठीक है। नाउ टालीज एडजेक्टिव, ओके, तो एडजेक्टिव के बारे में आपको पता है। अब एडजेक्टिव बताने के यानी किसी को क्वालिफाई या डिस्क्राइब करने के तीन तरीके होते हैं, उन तीनों फॉर्म्स को डिग्री कहा जाता है। मीन्स एडजेक्टिव आप तीन फॉर्म में बता सकते हो, यू कैन एक्सप्लेन इन थ्री फॉर्म्स, दोज आर नोन एज फर्स्ट वन पॉजिटिव डिग्री, डिग्री उनको बोला जाता है दैट इज पॉजिटिव डिग्री, ओके। नाउ सेकेंड वन कंपेरेटिव डिग्री, एंड थर्ड वन सुपरलेटिव डिग्री। इन योर प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो यू हैव स्टडीड अबाउट इट, लेकिन एक बार फिर से आपको इसको एक्सप्लेन करना मैं जरूरी समझता हूँ। आपको जानना चाहिए, एक बार फिर से जानना चाहिए कि वेयर यू शुड यूज पॉजिटिव डिग्री, वेयर कंपेरेटिव एंड वेयर सुपरलेटिव डिग्री। वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस थिंग इन दिस क्लास, तो इस क्लास में आप एक बार फिर से जान लो कहाँ कहाँ पर आपको पॉजिटिव कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना चाहिए, तब आप जान पाओगे कि क्या होता है सुपरलेटिव डिग्री और उसके पहले आपको द का यूज करना होता है। देखिए पॉजिटिव डिग्री, इट जनरली डिस्क्राइब्स अ नाउन या प्रोनाउन, किसी भी एक नाउन या प्रोनाउन को जब आप डिस्क्राइब करने वाले होते हो, उसके बारे में कुछ बताते हो, देन यू आर यूजिंग पॉजिटिव डिग्री। किसी एक के बारे में कुछ आप कह रहे हो, राम, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ टॉल बॉय, राम इज अ शॉर्ट बॉय। प्रोनाउन आपने ये लिया, he is a bad boy, he is an ugly boy, right? She is a tall girl, whatever, okay? किसी एक नाउन या प्रोनाउन को जब आप डिफाइन कर रहे होते हो, जब उसको क्वालिफाई कर रहे होते हो, तो आप एडजेक्टिव के जिस फॉर्म का यूज करते हो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री। अभी और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा जब आप कंपेरेटिव डिग्री को समझोगे, तो पॉजिटिव डिग्री समझ में ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा कि हाँ पॉजिटिव डिग्री इस जगह पर यूज करते हैं। मैंने आपको एक के बारे में बताया, अब देखिए बढ़ता हूँ आगे। कंपेरेटिव वर्ड कंपेयर वर्ड से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, कंपेयर वर्ड, कंपेयर, सी ओ एम पी ए आर ई, कंपेयर, कंपेयर मीन्स होता है बेटा तुलना करना, क्या कहलाता है, तुलना करना। जब आप तुलना करते हो, कंपेयर करते हो, कंपेयर किससे करेंगे, अगर राम अकेले है तो राम का कंपेरिजन किससे होगा, किसी से नहीं होगा। कंपेयर करने के लिए हमारे पास दो चीजें होनी जरूरी है, सपोज दिस इज अ मार्कर एंड दिस इज अनदर मार्कर, सपोज आपको मानना पड़ेगा, इस चीज को मानना पड़ेगा कि दोनों मार्कर हैं। मैंने ये कहा कि दिस मार्कर इज, सॉरी हिंदी में आपको बताता हूँ पहले, कि ये मार्कर इस मार्कर से छोटा है। अगर अकेले ये होता तो हम क्या कहते हैं, ये मार्कर छोटा है, किससे छोटा है ये मैंने नहीं बोला। कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए दो का होना जरूरी है, आप दो के बीच में कंपेरिजन करते हो, हमेशा दो के बीच में कंपेयर करोगे, तुलना करोगे। यह लड़का उस लड़के से ज्यादा लंबा है, वो लड़की इस लड़की से ज्यादा बुद्धिमान है, दो का होना जरूरी है। कंपेयर आप कब 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 करते हो, मैंने आपको बता दिया पहले, आई टोल्ड यू ऑलरेडी दिस थिंग अर्लियर दैट यू आर, यू विल कंपेयर टू थिंग्स, पर्संस, प्लेसेस, एनिमल्स, व्हाटएवर, राइट, नाउन और प्रोनाउन, किन्हीं दो को आप कंपेयर करते हो, दो की तुलना करते हो। तो कंपेयर करने के लिए आप कंपेरेटिव डिग्री का यूज करते हो, ओके। अब इसी एग्जांपल को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। पहले मैंने आपको बोला कि राम इज अ गुड बॉय, मैंने आपको कहा राम इज अ गुड बॉय, राम एक लड़का था। अगेन सोहन केम देयर, सोहन की अच्छाई राम से ज्यादा है या राम की अच्छाई सोहन से ज्यादा है, दोनों में से कोई एक होगा, मैं सोहन को लेता हूं, सोहन राम से अच्छा है, सोहन राम से अच्छा है। तो अब आप ये चीज कहोगे कि सोहन इज अच्छे के लिए आपने गुड वर्ड का यूज किया ना, गुड, पहले आप जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको आप समझो, सोहन इज अच्छा है, गुड, अब उससे अच्छा है तो देन का यूज, कंपेरेटिव डिग्री में देन का यूज करना होता है, तो आपने लिखा देन राम। नाउ दिस वर्ड गुड, अच्छे के लिए आपने बोला है गुड, बट दिस इज नॉट सुटेबल वर्ड हियर, यस सर, वेट, राम इज गुड देन सोहन, सोहन इज गुड देन राम, इट इज रॉन्ग। अब आप कंपेयर कर रहे हो तो यू हैव टू यूज कंपेरेटिव फॉर्म, कंपेरेटिव डिग्री, आपको कंपेरेटिव डिग्री लेकर आनी है। तो गुड, गुड का पॉजिटिव डिग्री होता है गुड और कंपेरेटिव डिग्री होता है बेटर,
क्या होता है बेटर। तो यू हैव टू यूज कंपेरेटिव डिग्री हियर एंड यू विल राइट बेटर। क्या लिखोगे आप? बेटर। ओके बेटा, वोकैब में आपको ये सारी चीजें जो है लर्न करनी है। जैसे आप वर्ब लर्न करते हो, जैसे आप सिनोनिम मेंटेनिंग लर्न करते हो, लाइक दैट यू हैव टू लर्न डिग्रीज आल्सो। गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अलग अलग फॉर्म्स होती है, मैं तरीका आपको बताऊंगा कैसे वो लर्न करोगे। तीन अलग अलग चीजें होती हैं। पहले तो क्या होता है कि जैसे आपने टॉल लिखा है तो इसी में ई आर और ई एस टी लग जाता है। टॉल है तो टॉलर हो गया और टॉलेस्ट हो गया, टी ए डबल एल ई एस टी, टॉलेस्ट, ठीक है ना। तो ये होता है पॉजिटिव डिग्री, ये है कंपेरेटिव और ये है सुपरलेटिव डिग्री, एस टी फॉर्म जो होता है, ठीक है ना। अगेन मेनी एडजेक्टिव्स आर हियर, दे कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, लाइक दिस। दूसरे तरह के जो वर्ड होते हैं उनमें क्या होता है, ई आर ई एस टी उनमें नहीं लगता। जैसे हमने वर्ड लिया ब्यूटीफुल, हमने वर्ड लिया ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल में आप ई आर और ई एस टी नहीं लगा सकते। ब्यूटीफुलर ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुलर ब्यूटीफुलेस्ट नहीं लिखा जाता। उसके लिए क्या होता है, एक वर्ड हम बाहर से लाते हैं आर ई और एस टी वाला या ई आर एस टी वाला, जैसे हम उसको बोलते हैं मोर और मोस्ट। वहां पर क्या करोगे, ब्यूटीफुल और अगला ब्यूटीफुलर ना लिख के आप लिखोगे मोर ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुलेस्ट ना लिख कर आप लिखोगे मोस्ट ब्यूटीफुल। क्लियर? ये फर्स्ट टाइप हो गया, ये सेकंड टाइप हो गया। थर्ड टाइप जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें क्या होता है बेटा, वर्ड ही चेंज हो जाते हैं, एडजेक्टिव फॉर्म ही बदल जाता है पूरी तरह से। जैसे अभी आपने वर्ड लिया गुड, क्या लिया? गुड। तो गुड का ना तो गुडर ना गुडेस्ट होगा और ना ही मोर गुड और मोस्ट गुड होगा। गुड का वर्ड ही चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा गुड, फिर बेटर और फिर बेस्ट। समझ में आ रही बात? तो तीन कैटेगरी के आपको या तीन तरह के अलग अलग एडजेक्टिव्स मिलते हैं जिनके फॉर्म लिखने के तरीके अलग है, उनको लर्न करना पड़ेगा आपको। व्हाट इट, पर हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैं आपको कंपेरेटिव फॉर्म बता रहा था ना, यू आर कंपेयरिंग दिस। जब दो लोगों को कंपेयर आप करोगे तो ऑलवेज यू हैव टू यूज कंपेरेटिव फॉर्म या कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। व्हाट इट, बात आती है सुपरलेटिव डिग्री की। सुपर मींस आप जानते हो सबसे अच्छा, बोलते हो आप दैट इज सुपर। सुपरमैन क्यों बोला जाता है, क्योंकि नन इज अदर देन दैट, कोई भी दूसरा मैन, कोई भी दूसरा आदमी उसके जैसा नहीं है, तो दैट इज दैट पर्सन इज कॉल्ड सुपरमैन, बोला जाता है ना, सुपर, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। हमने अच्छे की बात की, या चलो लंबे की बात की, हमने लंबे की बात की, सी इज अ टॉल गर्ल, ठीक है, प्रोनाउन भी ले लेते हैं। अगेन वन मोर गर्ल केम देयर, वन मोर गर्ल केम देयर, या चलो रीता ले लेते हैं। अब आपने बताया कि सी इज अ टॉल गर्ल, लेकिन रीता आई, रीता उससे लंबी थी, सी का कोई नाम नहीं है, दैट इज प्रोनाउन, या कोई नाम होगा हमने उसके प्लेस पर सी का यूज किया है। तो आपने बोला कि रीता इज टॉल, अब कंपेरेटिव डिग्री सीधे यूज करेंगे, टॉल नहीं लिखेंगे, काट के फिर से दोबारा हम उसको लिखते हैं, सो डायरेक्टली वी विल राइट रीता इज टॉलर देन देन, नहीं अब उसी को यूज करो, सी है ना, तो सी को आप लिखोगे हर। क्या लिखोगे? इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म आप यूज करोगे, रीता इज टॉलर देन हर, उस लड़की से रीता ज्यादा लंबी है। चलिए पूरे क्लास में सारी गर्ल्स बैठी हुई हैं, अब आपको सबसे ज्यादा एक बच्ची दिखाई दी जो पूरे क्लास की गर्ल्स में सबसे ज्यादा लंबी है, सबसे ज्यादा लंबी है। नाउ यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब दैट गर्ल, आप उस लड़की के बारे में बताने जा रहे हो। सपोज हर नेम इज गीता, गीता, मीता, व्हाटएवर, राधा ले लेते हैं, हर नेम इज राधा। नाउ वी आर गोइंग टू से अबाउट राधा, ओके। अब राधा पूरे क्लास में सबसे लंबी लड़की है ना, तो आप क्या करोगे उसका थर्ड फॉर्म, जिसको आप सुपरलेटिव फॉर्म बोल रहे हो, क्योंकि सुपर है ना वो पूरे क्लास में, तो सुपरलेटिव फॉर्म आप यूज करोगे ना। तो यहाँ पर आप टॉल लिखोगे ना ही टॉलर लिखोगे, नाउ यू हैव टू यूज सुपरलेटिव फॉर्म। सुपरलेटिव फॉर्म मैंने आपको दिखाया, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ये फॉर्म आपको यूज करना होगा। आप लिखोगे टॉलेस्ट, टॉलेस्ट गर्ल, ओके, इन द क्लास, और टॉलेस्ट गर्ल यू हैव रिटन, दैट इज आल्सो सफिशिएंट। लेकिन एक यहाँ चूक हो रही, गलती हो रही, क्या? कंपेरेटिव फॉर्म में हमेशा कंपेरेटिव फॉर्म के बाद देन का यूज करते हैं, याद रखिएगा, रिमेंबर दिस ऑलवेज, दैट यू हैव टू यूज देन आफ्टर कंपेरेटिव फॉर्म। कभी भी देन का यूज कंपेरेटिव फॉर्म के पहले नहीं आता,
और सुपरलेटिव फॉर्म में मैंने यहाँ स्पेस छोड़ रखा है, जो फर्स्ट रूल आपका दिया हुआ है द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। हमेशा जब भी आप सुपरलेटिव फॉर्म का यूज करोगे, जब भी सुपरलेटिव फॉर्म का यूज करोगे, आपको सुपरलेटिव फॉर्म सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज करना होगा। नाउ यू विल राइट द टॉलेस्ट, राधा इज द टॉलेस्ट गर्ल, गॉट इट। तो मैंने आपको डिग्री के बारे में बता दिया, डिग्री का डेफिनेशन आपको समझा दिया, उनका यूज बता दिया, और उनके यूज के साथ साथ मैंने आपको फर्स्ट रूल बता दिया कि द इज यूज्ड ऑलवेज बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। फर्स्ट रूल इज क्लियर, सबको समझ में आ गया बेटा? ओके, नाउ फर्दर रूल्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक्स फॉर टुडे।